सो गाइस, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड ओडीआई मैच यहां पे कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि थर्ड ओडीआई मैच कौन सी टीम जीती है, कौन से प्लेयर ने आज के मैच में परफॉर्मेंस किया है, सभी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस ओवरऑल वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो गाइस यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत लिया था, यानी यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत के यहाँ पे गेंदबाजी का फैसला किया था, यानी कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली थी। तो गाइस यहाँ पे जो पाकिस्तान के ओपनर थे इमाम उल हक एंड यहाँ पे पकार जाबान यहाँ पे बैटिंग करने आ गए एंड यहाँ पे हमेशा की तरह अच्छी शुरुआत हमें देखने को नहीं मिली। 21 रन पे पाकिस्तान की टीम की पहली विकेट चली गई एंड यहाँ पे पकार जाबान 6 रन पे आउट हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इमाम उल हक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, हाफ सेंचुरी पारी खेली, 56 रन की शानदार पारी खेली। फिर दोस्तों बाबर आजम जिस हिसाब से दो ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए एंड शानदार 158 रन की पारी के लिए यहाँ पे पाकिस्तान की टीम के पहले ऐसे ओडीआई कैप्टन बन चुके जो यहाँ पे 150 प्लस स्कोर खड़ा किया। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बाबर आजम जो आज के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। फिर दोस्तों यहाँ पे रिजवान ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 74 रन की तूफानी पारी खेली। फिर दोस्तों यहाँ पे मकसूद 8 रन पे आउट हो गए, हसन अली 4 रन पे आउट हो गए, फहीम असलम 10 रन पे आउट हो गए, शाबाद खान 0 पे आउट हो गए, सौ शकील ने 3 रन की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों बात की जाए इंग्लैंड की बॉलर्स की, तो कैसे पे साकिब मोहम्मद को यहाँ पे 3 विकेट मिला एंड ब्रेंडन कार्स को यहाँ पे 5 विकेट मिला एंड मैथ्यू पारकेशन को यहाँ पे 1 विकेट मिला। आज के मैच में ब्रेंडन कार्स ने भी 5 विकेट होल लिया है। अब दुनिया में बात करते हैं पाकिस्तान के स्कोर के, तो ऐसे पाकिस्तान की टीम का स्कोर था 50 ओवर के बाद 331 रन 9 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 331 रन यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने जड़ दिया, जो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर था। एंड वही बात की जाए टारगेट, तो गए यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को 332 रन का टारगेट मिला था जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दूसरी यहाँ पे पिच बैटिंग वाली पिच तो इतना भी मुश्किल नहीं था, पार्टनरशिप देखने को मिलने चाहिए थे, तो ऐसे यहाँ पे आराम से इंग्लैंड की टीम जीत सकती थी। तो कैसे यहाँ पे इंग्लैंड के जो ओपनर थे यहाँ पे बैटिंग करने आ गए फिलिप सोल्टेनर, डेविड मलान, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 19 रन पे इंग्लैंड की टीम का पहला विकेट चला गया, डेविड मलान 0 पे आउट हो गए एंड पिछले 2 मैचेस से डेविड मलान अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे एंड हसन अली ने डेविड मलान को आउट कर दिया। फिर यहाँ पे फिलिप सोल्टेनर जैक रोली के बीच में हमें अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, फिलिप सोल्टेनर शानदार 37 रन की पारी खेली, 22 गेंदों में 7 चौके शामिल थे, जैक क्रोली ने 39 रन की शानदार पारी खेली। फिर दोस्तों यहाँ पे जे विंस एंड जे विंस ने शानदार शतकीय पारी खेली, अपना करियर का पहला ओडीआई सेंचुरी लगाया एंड देखा जाए तो विनिंग परफॉर्मेंस दिखाया आज के मैच में एंड बेन स्टोक 32 रन पे आउट हो गए जिसमें 4 चौके 1 छक्के शामिल थे, सिम्पसन 3 रन पे आउट हो गए, एंजेलिस ने शानदार हाफ सेंचुरी पारी खेली। अब दुनिया में बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलर्स की, तो कैसे पाकिस्तान के बॉलर्स में शाबाद खान को 2 विकेट मिला, हरीफ फरोख को आप 2 विकेट मिला एंड हसन अली को भी आज के मैच में विकेट मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट, आखिर थर्ड ओडीआई मैच कौन सी टीम जीते, तो कैसे मैं आपको बता दूँ थर्ड ओडीआई मैच यहाँ पे इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टारगेट तो बहुत बड़ा मिला था, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से जे विंस ने परफॉर्मेंस दिखाया, फिलिप सोल्ट ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया, जैक क्रोली ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ग्रिगोरी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो सभी बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जो 332 का टारगेट मिला था वो यहाँ पे आराम से इंग्लैंड की टीम ने रन चेस कर लिया और जो सीरीज से वो यहाँ पे 3-0 से यहाँ पे इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है और यहाँ पे इंग्लैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को यहाँ पे 3-0 से हरा दिया। तो गाइस बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंग्लैंड टीम के लिए। तो गाइस जुड़ो में इतना ही, आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, उतने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।